दिल को नजर नहीं चुराना जनम, बदल के मेरी तू जिंदगानी, कहीं बदल न जाना जनम। हो ले लिया दिल, आए मेरा दिल, आए दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना। कौन है जो गिटार में इस गाने को नहीं गाना चाहता? हर किसी ने यह गाना सुना हो, इतना खूबसूरत गाना, 70s का इतना प्यारा गाना कि आप गिटार बजाएं, गिटार सीखें और इसको ऐसे ही छोड़ दें तो ये तो हम होने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप जो भी बिगनर हैं और जिसने कभी भी इस गिटार में इस गाने को नहीं गाया है तो ज़रूर इस गाने को कोशिश करिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना और बहुत ही सिंपल सा गाना, इसको आप जैसे निभा सकते हैं वैसे निभाइए और बहुत साधारण सी, इसकी ज़्यादा कॉर्ड्स भी इसमें कुछ नहीं है, आप सिंपल से इसमें कॉर्ड बजा सकते हैं और ज़्यादा हाई पिच भी नहीं है इसमें। और स्ट्रमिंग पैटर्न जैसा कि हम चल रहे हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, इसी स्ट्रमिंग पैटर्न में हम इस गाने को भी प्ले करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, जब पर्कसन यूज़ होता है तो उस पर, जब आपका पर्कसन पार्ट बजता है तो उसमें ड्रम्स बज रहे होते हैं, गिटार बज रहा होता है और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उस पीछे प्ले हो रहे होते हैं, तो अलग 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 इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा पैटर्न हल्का हल्का अलग आपको प्ले होते हुए सुनाई देंगे। अगर आप ध्यान देंगे पीछे गाने की तो आपको लगेगा ड्रम कुछ अलग सा बज रहा है, गिटार में कुछ अलग सा बज रहा है, तो ये अलग अलग पर्कसन बजते हैं जो मिलकर एक इंटरेस्टिंग साउंड क्रिएट करते हैं और हमारी कानों को बहुत अच्छा लगते हैं। तो हम किसी भी पैटर्न में जो पीछे यूज़ हो रहा है या कोई भी पैटर्न अपने हिसाब से गाने में यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी गाने की बात करूँ तो मैं इस गाने में बहुत डिफरेंट पैटर्न से इस गाने को प्ले करूँ अगर, तो आपको बिल्कुल वो डिफरेंट फील सुनाई देगा, मतलब आप गाने का ना बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें और भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें बहुत सिंपल तरीका है, जो बहुत सिंपल पैटर्न है जिसको आपको इसको यूज़ करना चाहिए, और क्योंकि ये आसानी से आप इसमें गा भी लेते हैं। देखिए इस पैटर्न को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि आप इस पैटर्न में आसानी से गाना गा सकते हैं। जैसे कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं कि जिसको आप बजा भी लेंगे तो उसके साथ साथ गाने में दिक्कत होती है। जो बिगिनर से ऊपर हैं, जिन्होंने थोड़ा सा आगे कुछ सीख लिया और जिनको गाने की हैबिट हो चुकी है स्ट्रमिंग के साथ, तो उसके लिए तो थोड़ा आसान रहता है। लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर हैं और वो टफ स्ट्रमिंग पैटर्न सीख लेते हैं या अपने फ्रेंड से या किसी से भी, आप यूट्यूब से कि भाई ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न आप बजाओ, लेकिन उस स्ट्रमिंग पैटर्न में आप गा नहीं पाते हैं, तो मेरी आप राय लीजिए, तो आपको सबसे पहले खूब सारे गाने इस स्ट्रमिंग पैटर्न में आपको गा लेने चाहिए। तो इसी जो मेरा चैप्टर चल रहा है इसी में ये आपके लिए मैं तीसरा गाना लेके आया हूँ, चुरा लिया तुमने दिल को। और मैं भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए गाने नहीं ला रहा हूँ, मैं नए भी लाऊंगा, पुराने भी लाऊंगा, 90s 70s 60s आपका नए बिल्कुल लेटेस्ट गाने भी लाऊंगा, लेकिन बिगनर्स के लिए मैं लेटेस्ट गाने जो होते हैं कि आपने एकदम से सुना है और आपके लिए गाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर आप शुरू में थोड़ा सा जो स्ट्रेट सिंगिंग वाले गाने होते हैं, ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा मुड़कियाँ नहीं होती हैं, जो इसका इसकी अलग मेलोडी होती है, 70s 80s 90s की एक अलग मेलोडी है, गाने भी बहुत खूबसूरत लगते हैं गिटार के साथ वो, और आपके आजकल जो इंस्टाग्राम में उसकी रील्स बनती है तो आप सुनते हैं कि कितने खूबसूरती से गाने मतलब गाए गए हैं कि आपके कानों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन गाने में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो सीधे मैं इसमें आगे लेसन में शुरू कर रहा हूँ, तो स्ट्रमिंग पैटर्न से शुरू करता हूँ जो हमारा इस चैप्टर में चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, जो भी मेरे सॉन्ग्स चल रहे हैं फिलहाल एक स्ट्रमिंग पैटर्न में चल रहे हैं, वो है डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं पार्ट्स में, लेकिन सिंपली आपको यही चलाते रहना है, जैसे आप करेंगे तो बस टेम्पो का ध्यान रखना, टेम्पो मतलब गाने में जो बीट चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, म्यूजिक में स्पीड को टेम्पो कहा जाता है, तो आपका क्या टेम्पो चल रहा है मतलब आप कितना उसमें, ज़रूरी नहीं कि सेम जैसा टेम्पो आपका गाने में लिया गया है वैसा ही आप लोग 19-20 हो सकता है, आपको स्लो गाना है जैसे मैं गाऊँ उसको बहुत स्लो भी गा सकते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बहुत अच्छा लग रहा है स्लो में भी,
नजर नहीं चुराना जनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना। देखिए मैंने इसका टेम्पो डाउन कर दिया, पहले मैंने थोड़ा फास्ट गाया था, तो कोई नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है इस टेम्पो में भी, तो आप टेम्पो अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हैं। तो हम सीधे पढ़ते हैं इसकी कॉर्ड्स पे, ठीक है। तो देखिए इसका जो ओरिजिनल स्केल है वो है ए माइनर, तो ए माइनर है, और इसका इंट्रो भी बजा हुआ है, क्योंकि ये मैं भी इंट्रो का लेसन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पास जल्दी से बहुत जल्दी एक लेसन लेके आऊँगा जिसमें आपको कई इंट्रोज आपके गानों को सीखने को और सुनने को मिलेंगे, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसको इसका इंट्रो क्या होता है। इसका इंट्रो बहुत खूबसूरत है और मैंने बहुत लोगों को उसको गलत प्ले करते हुए देखा हुआ है, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा लेसन थोड़ा सा अलग तरीके का है कि आप स्ट्रमिंग के साथ कैसे गाना गाएंगे। तो मैं इंट्रो को इसमें अभी डाल के उसकी जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ उसको अलग लेवल में नहीं ले जाना चाहूंगा, तो ये अभी मैं एक लेवल के हिसाब से चल रहा हूं, तो इसमें करते हैं, ठीक है। वैसे इस तरीके से इंट्रो बजा हुआ, आगे में इसको जितना भी इसका है किस तरीके से बजाया गया, कहाँ पे इसकी प्लकिंग की गई है, वो मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपको बिल्कुल डिट्टू जैसा इसका इंट्रो बजाओ, पूरा गाने में जहां जहां पे गिटार के पार्ट बजे वो आपको पूरा वैसा ही सुनने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। तो इसका ए माइनर इसका पहला कॉर्ड है, तो मैं इंट्रो से शुरू नहीं कर रहा हूँ, सीधे स्ट्रमिंग से, ठीक है। अब इसको आप ओपन में भी बजा सकते हैं, बहुत आसान है, और मैंने जैसे इसको देखो मैंने जब बजाया तो आपने गौर किया होगा मैंने इसको बार कॉर्ड्स में भी बजाया और ओपन कॉर्ड्स में भी बजाया, वो जस्ट आपको दिखाने के लिए, और आप दोनों को मिक्स करके भी बजा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं था, थोड़ा सा कि तो कॉर्ड की वॉइसिंग चेंज हो जाती है, आप कैसे भी चाहें वैसे आप कर सकते, आपकी इच्छा है आप करिए, आप खुला करके बजाइए, आप ये भी मत सोचिए कि इस गाने में ऐसा क्या बजा था वैसा क्या बजा था, अपना फील करिए अपना डालिए, कुछ नहीं होता है, सब आपको अपनी फील के हिसाब से करना है, जस्ट आप अपनी अपनी फीलिंग्स के लिए म्यूजिक बजा रहे हो, अपने आप को खुश करने के लिए म्यूजिक बजा रहे हो, अपने आप खुश रहो, टेंशन प्रेशर नहीं लेना है इसमें आपको, ठीक है। तो आप जैसे भी करते हैं करें, तो ए माइनर आपका इसमें पहला कॉर्ड है। अगर बाय चांस आप इसको ए माइनर से नहीं गा पाते हैं, आपके लिए इसमें अगर टफ हो रहा है, तो आप इसमें कैपो लगा के ए माइनर ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प, आप डी माइनर से भी प्ले कर सकते हैं, आप इसमें जो कि यहाँ पे कैपो लगा दीजिए फिफ्थ फ्रेट के पीछे, तो आपका ये डी माइनर प्ले जाएगा, ए ए शार्प बी सी सी शार्प डी, तो आपको यहाँ पे फिफ्थ फ्रेट के पीछे कैपो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मेरे हाथ में कैपो है नहीं, तो ये आपका डी माइनर कॉर्ड बन जाएगा। तो आप सेम चीज़ को यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं अगर आपको ये ऊंचा लगता है, अगर आपको लगता नहीं है डी माइनर थोड़ा सा मिल रहा है ऊंचा, और तो आप थोड़ा सा दो फ्रेट और आगे यानी कि होल स्टेप आगे आके यहाँ पर से आप ई माइनर सेम कॉर्ड को प्ले कर सकते हैं। तो शेप ए माइनर का ही रहेगा लेकिन कॉर्ड का आपका स्केल चेंज हो जाएगा, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से भी गा सकते हैं, या आप ई माइनर अगर यहाँ से लेना चाहें तो यहाँ से भी आप उसको लेना ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, एक आधे कॉर्ड लेने में आपको चूँकि बार कॉर्ड बन जाती हैं तो वहाँ पर दिक्कत होती है, तो देखते हैं उसको भी हम सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको पहले ए माइनर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला कॉर्ड इसमें ए माइनर हो गया, ओपन से शुरू करते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दिल में जी मेजर कॉर्ड आ गया, नजर नहीं चुराना सनम, देखिए सनम। अब यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, ये माइनर की स्केल का गाना है तो इसलिए इसमें पहला कॉर्ड माइनर है, लेकिन इसमें जो सनम में जो स्वर हुआ है सनम, यहाँ पे आपका नी जो होता है माइनर की स्केल में क्या होता है, माइनर की तीन स्केल्स होती हैं, तो यहाँ पे नी शुद्ध हो जाता है, नी शुद्ध हो जाता है तो इसलिए इसमें ई मेजर कॉर्ड लगती है जो एक अलग फील करती है। यहाँ पे आपको अगर आप म्यूजिक को समझते हैं तो आपको यहाँ पर कोई फील भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे ई मेजर कॉर्ड आएगा, ठीक है। अब इस गाने में क्या होगा, ई मेजर भी आएगी और ई माइनर भी आएगी, ठीक है, क्योंकि नी जब अशुद्ध लगता है तो माइनर कॉर्ड, नी जब शुद्ध लगता है तो ई मेजर कॉर्ड, तो ये शुद्ध और अशुद्ध का है। अगर आपका ए माइनर में अगर आपका स्केल होता है, और उस गाने में मैं यहाँ पे आपको टिप भी देता हूँ, अगर ए माइनर का गाना है और उस गाने की स्केल में आपका नी शुद्ध लग जाता है, यानी कि आपका जो सेवंथ है वो आपका जो आपका सेवंथ नोट लग रहा है, फ्लैट नहीं लग रहा है, सेवंथ लग रहा है, ठीक है, तो वो आपका जो कि बन जाता है ई मेजर कॉर्ड, और जब फ्लैट लगता है यानी कि सेवंथ जो यानी कि नी अशुद्ध जब लगता है तो वहां पे बन जाता है ई माइनर कॉर्ड, ठीक है। सनम फिर सेम हो जाता है, बदल के मेरी तू जिंदगानी, फिर सेम बदलना जाना सनम,
सेम है सनम हो। अब देखिए यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉर्ड ले सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा डिजाइन करें अपने हिसाब से गाने को, क्या चलो मैं इसमें कॉर्ड ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे हो ये डी का नोट लगा है हो, तो मैं डी माइनर कॉर्ड ले रहा हूँ हो। तो यहाँ आप मैंने इसको बार में लिया, आप ओपन में भी ले सकते हैं हो ले लिया, या के लिए मैं अलग कॉर्ड ले रहा हूँ हो ले लिया दिल। दिल में जी मेजर कॉर्ड आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन दूंगा आपको, प्योर जी मेजर कॉर्ड मत लेना, जी स्लैश बी कॉर्ड लेना, क्योंकि यहाँ पे बी नोट प्ले हो रहा है और बी का जो होता है जैसे आपका ए माइनर का जो रिलेशन चलता है उसमें बी का कॉर्ड नहीं होता कि वहाँ पे डिमिनिश कॉर्ड लगती है, तो वो यहाँ पे सूट नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है ये भी, इसको भी आपको अगर समझना है कि किस तरीके से ये यूज़ होता है, क्या डिमिनिश कॉर्ड होती है, क्यों नहीं यहाँ पे आ सकती है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको जो है कि आगे जाके पता चलेगा कि ये सब क्यों होता है। फिलहाल ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, लेकिन ये फ़ायदा करेगा ये जो आगे के गिटारिस्ट हैं, इंटरमीडिएट प्लेयर हैं जो थोड़ा सा आगे को सीख चुके हैं और जो प्रो जा रहे हैं ऊपर की ओर को जा रहे हैं, तो वो भी इसको इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो बी स्लैश, तो जैसे ये आपका जी मेजर कॉर्ड है तो आपको क्या करना है, इसको 60 स्ट्रिंग से ना मार के 50 स्ट्रिंग से मार देना है जी मेजर कॉर्ड। तो ये यहाँ पे आपका बी, आपका बेस में बी बज रहा है, ये जी, लेकिन बेस में आपका बी बज रहा है तो आपका बेस पहले सुनाई देगा मारेंगे, तो क्योंकि ये बी आपका नोट यूज हो रहा है तो आप ये बहुत अच्छा साउंड करेगा और बिल्कुल जो कॉर्ड वॉइसिंग की वजह से ये यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल मैच कर रहा है उस स्वर उसके साथ, तो मैचिंग ज़्यादा हो जाएगी इसमें। और आप जी भी लगाते हैं तो हारमोनी तो उसमें भी बनेगी, तो वो भी आपका एक वो भी अच्छा इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर स्लैश बी कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बेस भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बेस गिटार नहीं बजा रहे हैं तो यहाँ पे बेस का साउंड आपका अलग से मिलेगा, तो बिल्कुल मैचिंग लगेगा, अच्छा मैच करता हुआ आपको सुनाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं टिप आपको दे दूँ, अगर आप यहाँ पे जैसे ये आपका जब आप रिंग फिंगर से आपको डी प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रिंग फिंगर से आप डी प्ले कर रहे हैं, और देखिए जी आपका एक तो ऐसे प्ले होता है रिंग फिंगर से डी प्ले करके, एक आपका जी ऐसे प्ले होता है जब आपको पिंकी फिंगर को हटा देते तो ये आपका जी बजता है। तो अगर यहाँ पे आप ये वाला जी यूज न करके पिंकी फिंगर वाला यूज करेंगे और स्लैश में बी रखेंगे तो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव करेगा, क्योंकि नीचे भी आपका बी नोट ओपन में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा जो बी है बी खुल के सुनाई देगा आपका बेस में भी और जो आपके हायर नोट हैं उसमें भी बी सुनाई देगा। तो यहाँ पे जब ये आप इस कॉर्ड को प्ले करोगे तो ये बहुत अच्छा साउंड करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ये कॉर्ड लिया है, अगर आप भी चाहें तो इस कॉर्ड को ले सकते हैं, नहीं तो आप जी में भी काम चला सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं कॉर्ड्स लिख के दूंगा, लेकिन मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से लिखूंगा, लेकिन ये भी बता दे रहा हूँ कि आप कौन सी कॉर्ड इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन के तौर पे इस कॉर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कॉर्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जी के बाद आपकी जो जी के बाद जो कॉर्ड आ रही है जब लाइन चेंज हाय दिल लेकर मुझको, यहाँ पे आपका आ जा रहा है ए मेजर कॉर्ड, ए माइनर से ए मेजर में शिफ्ट हो गया। अब ये गाना आपका ना मेजर की स्केल में एंटर कर गया है, आप समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ पे जो माइनर की स्केल होती है, पहले इस गाने में ग अशुद्ध लग रहा था यानी कि थर्ड फ्लैट लग रहा था, लेकिन अब जो है कि वो जो है कि आपका नेचुरल लग रहा है, ग शुद्ध हो गया आपका, ठीक है। तो जो लोग इतनी इस तरीके के टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं और सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको वक्त वक्त में मेरे हर लेसन में आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आगे भी मैं इनको प्रॉपर तरीके से भी अलग से सिखाने की कोशिश क्या करूँगा सिखाऊँगा, ज़रूर सिखाऊँगा आगे जाके भी, तो लेकिन आप लोग उसके लिए सब्सक्राइब करिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें बारीक भी सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ ए मेजर कॉर्ड लग जाएगी, ठीक है। तो ये क्योंकि गाना मेजर की स्केल में एंटर कर गया है यहाँ पर से, ठीक है। हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना चुरा लिया, तभी अगर आप फील कर सकते हैं म्यूजिक तो आपको यहाँ पे लगता होगा बिल्कुल एक डिफरेंट और ऐसे मतलब डिफरेंट जगह से डिफरेंट चला गया, मतलब मूड एकदम से चेंज हो गया गाने का, ठीक है। तो ये होता है, फिर सेम आ जाए चुरा लिया है तूने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम, इसके बाद
बदल के मेरी तुम जिंदगानी से, कहीं बदल जाना सनम। ये जो यहाँ पे चेंज होता है पहले वाले में सनम, ये यहाँ पे नी शुद्ध लग जाता है इसलिए ई मेजर कॉर्ड आती है यहाँ सनम। ये जो नोट है आपका ए माइनर, तो ए नोट पे ही फिनिश होता है, यानी कि सा पे ही फिनिश हो रहा है। तो पहला वाला जो सनम है वो नी शुद्ध पे फिनिश हो रहा था, तो ई मेजर ले रहे थे, यहाँ सनम ये आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम ए माइनर ही कॉर्ड लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल भी मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप ध्यान दीजिएगा। बस तो ये इसका मुखड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से इसकी कॉर्ड बनती है, तभी यहाँ पे ए माइनर भी आता है, ए मेजर भी आता है, और एक एक सनम में ई मेजर लग रहा है तो एक सनम में ए माइनर लग रहा है, तो यही गाने का फील है। और इस गाने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ईजी भी हो जाता है गाना ये गाने के लिए। यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि जो लोग बिगनर हैं और वो कॉर्ड चेंज करके अगर नहीं गा पाते हैं तो कॉर्ड चेंज करने की अलग से प्रैक्टिस करिए और एक ही कॉर्ड में गा लीजिए। जैसे पहले आप इसको एक कॉर्ड में गा लीजिए, पूरा एक एक कॉर्ड में ए माइनर में गा लिया, और उसके बाद जब आपको चेंज करने की प्रैक्टिस कर ली तो फिर चेंज करके कर लीजिए। इन्हीं कॉर्ड्स को आप चेंज करके प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। और बहुत बारीकी से बताने में लेसन बहुत लंबे हो जाते हैं, नहीं तो मैं इसको और बारीकी से बताऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अफसोस कि लोग इतना लंबा देख नहीं पाते हैं और ज़्यादा फिर मेहनत भी हो जाती है। इतना लंबा हम चाहते तो हैं कि बहुत अच्छे से समझाएं, लेकिन सॉरी हो नहीं पाता है। लेकिन इन चीज़ों को हम आगे जाके और बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। अब सीधे आते हैं वर्स में, यानी कि अंतरा। इसके दो अंतर हैं, तो अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ बाहर बन के, ठीक है। तो इसमें बहुत इजी है, इसमें तो कॉर्ड आपका ए माइनर से शुरू करना है आपको। बाहर बन के आऊं कभी, तो आऊं मैं बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, ठीक है। सिंपल है, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, फिर सेम में। अब यहाँ भी मैं दोनों बार मैं गाया है, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, मैं गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तो दोनों में अंतर, तो पहले में आप इसमें एफ मेजर ही लेना, दूसरे में आप जब रिटर्न हो जाते हो तो वो ए में ही वो नोट खत्म होता है, तो इसलिए आप उसमें ए माइनर कॉर्ड लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से हो रहा है, ऊपर में बजा लेता हूँ मैं तो आपके लिए समझने में आसान होगा। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। आगे सेम है, हो तुम मेरे हो ले लिया दिल, हो ले लिया दिल, हो तुम मेरे हो, खाली लिरिक्स चेंज हुई है। हो तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज बस इतना वादा करते जाना चुका लिया। थोड़ा लिरिक्स मेरी इधर उधर हो जाती है थोड़ा सा, लेकिन ये आपकी जो कि कॉर्ड्स आ जाएंगे, बस ये गाना आपका फिनिश हो जाता है और इसको आप इसी स्ट्रमिंग पैटर्न में गा सकते हैं, बजा सकते हैं। बाकी मैं इसकी कॉर्ड्स लिख के दे रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दूसरी स्केल से आप लोगों को ये गाना बता देना चाहता हूँ, ई माइनर की स्केल, जिसका ए माइनर से पिच होता है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा देखा, क्योंकि मैं इतने टाइम से सिखा रहा हूँ, तो ए माइनर से हर कोई इस गाने को नहीं गा पाता है। ज़्यादातर लोग जो बिल्कुल बिगनर होते हैं, जिनकी ज़्यादा सिंगिंग नहीं होती, वो ई माइनर या डी माइनर से ही इस गाने को गाते हैं। तो आप लोगों को अगर ई माइनर से गाना है और आप कैपो नहीं लगाना चाहते हैं, वैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप यहाँ पे कैपो लगा लेंगे, ठीक है। कहाँ पे आपको सेवन फ्रेट के पीछे कैपो लगाना है, तो आपकी जो ए सेवन फ्रेट के पीछे, ठीक है, जो ए माइनर कॉर्ड आपकी बज रही है, ये आपकी ई माइनर पे का आपका स्केल आपका आ जाएगा। बस बजाना आपको ए माइनर की तरफ है, यहाँ कैपो लगा देना आपका। अगर आप यहाँ बजाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ भी इन गानों को बजा सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर। चुरा लिया है तुमने जो दिल, नजर नहीं चुराना। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका बी मेजर कॉर्ड आएगा, ठीक है, नजर नहीं चुराना। पर यहाँ से बजाने में यही प्रॉब्लम है कि आपको बार कॉर्ड आनी चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ई माइनर से थोड़ा बार कॉर्ड्स का दिक्कत होता है।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ई माइनर से प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ बजाने में, तो आप कैपो का यूज यहाँ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर B7 कोड अगर आप बजाते हैं सनम में, ठीक है, तो आप बी मेजर की जगह B7 कॉर्ड का यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे, तो आप यहाँ को आप इस जगह पे ई माइनर की कॉर्ड्स के यूज से आप इसको बजा सकते हैं। वही फील आएगा जो आपको वहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा हल्का डिफरेंस रहेगा, लेकिन जब आप गाना गाएंगे तो उसके साथ बिल्कुल वो मैच करता हुआ लगेगा। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूट कॉर्ड होती है जो हम उस कॉर्ड की जगह पे आप उसके साथ यूज कर सकते हैं। मैं इन दोनों कॉर्ड्स को भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं एक एक करके इन दोनों को भी कॉर्ड को भी यूज कर सकता हूँ, और इसी गाने को हम और भी चटपटा बना सकते हैं और भी स्पाइसी बना सकते हैं ऐसी कॉर्ड्स के साथ। तो ये सब कैसे होता है कि जैसे मैंने बी सेवन्थ लिया यहाँ पे और क्यों लिया, और ऐसे मैं इन दोनों कॉर्ड्स को एक साथ कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं पासिंग कॉर्ड का यूज़ करके इस गाने को और इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप इस गाने के ना जो आप बोर हो चुके हैं 3 कॉर्ड में बजा के 2 कॉर्ड में बजा के आपको लगता है अब क्या बजाऊँ मज़ा ही नहीं आ रहा गिटार बजाने में, तो इन सारी चीज़ों से मैं आपको निकाल सकता हूँ बिल्कुल बहुत ही बारीकी के साथ और अच्छी बेहतरीन कॉर्ड्स के साथ। तो लेकिन आपको उसके मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेसन में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, बाय।